हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है वुमेन इंटेक फॉर्म के बारे में। तो देख लेते हैं इस फॉर्म के बारे में क्या न्यूज़ है, क्या कंटेक्स्ट है सारा सीन। देखो, बात ऐसी है कि हमारे देश में आप देखोगे तो वुमेन का जो लेबर में पार्टिसिपेशन है तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेट 40-50% वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स के अंदर। बट फिर भी क्या उनको अच्छे ढंग की जॉब वगैरह वो नहीं मिल पाती है। मतलब उनका जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर होता है ना, स्टेम वाला, साइंस वाला सेक्टर हुआ या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स वाला सेक्टर हुआ, इस सेक्टर में एक्चुअली उनके पास काफ़ी कम जॉब होती है और काफ़ी एक तरह से लिमिटेड एरिया होता है उनके लिए। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन है हमारे देश में, कम से कम वुमेन को इस वाले सेक्टर में भी आगे लगे। कौन कौन से में? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स वाला जो सेक्टर है, इस वाले सेक्टर में भी वुमेन को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने जो वुमेन इंटेक फॉर्म है ये बनाया मिली। तो नाम से पता भी चल रहा है कि वुमेन इन टेक, टेक का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में वुमेन को लाने के लिए फॉर्म है ये बनाया, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके साथ इसका मेन काम और क्या है कि वुमेन की जो करियर चॉइस है, वुमेन का जो करियर है वो मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बनाना। इससे के साथ ही हमारे देश में आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक स्कीम प्रोग्राम जिसे बोल सकते हो कि वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वुमेन के लिए इसमें प्रोग्राम किया गया है, भाई वुमेन की जो फीमेल की संख्या है उसको आगे इंक्रीज भी करना है, जो मृत्यु रेट है उसको भी हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है। इसके साथ ही जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाना भी है। तो उन लड़कों को अगर पढ़ाना है तो हम स्टार्टिंग से अगर उनको टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रमोट करें, वहां से अच्छी एजुकेशन दें, तो फिर आगे क्या होगा कि उनको टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और हमें फ्यूचर्स में समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को भी इससे गति है वो मिलेगी। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में काफ़ी वादे तो किए थे कि भाई हम वुमेन के लिए ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से टर्निंग प्रोमिस की बात की थी इंडिया ने कि हम बहुत से काम करेंगे जैसे वुमेन का एक्चुअली लेबर फोर्स का बोल सकते हो या वुमेन की जो कंडीशन है हमारे देश में वो सुधर जाएगी। तो उन वादों को पूरा करने भी वुमेन इन टेक्नोलॉजी जो फॉर्म है ये काफ़ी हेल्प है इंडिया की करने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है इस टेक्नोलॉजी इस फॉर्म में। तो बेसिक पॉइंट हमने सब यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी मतलब सिंधु जो जल समझौता है इंडिया और पाकिस्तान में उसको लेकर है। उसकी देखो हर साल एनुअल मीटिंग होती है अभी, मतलब आपको कि परमानेंट जो इंडस कमीशन बनाया गया है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इसकी हर साल मीटिंग होती है। एक साल इंडिया में मीटिंग होती है, एक साल पाकिस्तान में मीटिंग होती है। तो इस बार की जो मीटिंग है वो इंडिया में होने की बात है, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पे पॉइंट है। तो देखो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखो ये लास्ट ईयर सुर्खियों में भी थी, तो यूपीएससी जो करंट ऐसे मुद्दे होते हैं ना उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हमें इंडस रिवर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। इसी के साथ ही इसका जो मैन यहाँ पे है क्या हुआ है इसमें, देखो ये प्रावधान किया गया था इंडस जो हमारी सिंधु नदी है इसकी जो पांच सहायक नदी है जिनमें है चेनाब है, इसके साथ ही झेलम आती है, इसके साथ रावी आती है, व्यास आती है, सतलज आती है। इन रिवरों को आपस में पानी का बंटवारा किया गया था कि भाई टोटल छह नदियां हो जाती हैं, एक तो सिंधु नदी और प्लस में पांच हो जाती है, तो कुल मिला के नदियां हो जाती हैं छह। तो इन छह नदियों में से तीन नदियों का पानी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो पाकिस्तान करेगा और तीन नदियों का बाकी का है वो इंडिया यूटिलाइज करेगा। इस तरीके से प्रावधान किया गया। तो अब हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैपिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी मैपिंग में काफी तरीके क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो वो हम एक एक करके एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिंधु रिवर है ये वाली। अब आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहला क्वेश्चन यही बताना है। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि हमने सिंधु रिवर के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो अब आप तुरंत इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपका रिविजन है वो भी अच्छा हो जाए। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई देख सकते हो कि मतलब इंडिया से थोड़े बहुत पार्ट से बहती है, इसके बाद में मैक्सिमम पाकिस्तान से होकर बहती है। इसके बाद में झेलम रिवर आती है जो कि निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। झेलम के बाद में यहाँ पे दूसरी नदी आती है वो आती है चेनाब, चेनाब निकलती है ये आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी रिवर है वो भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और जो यहाँ पे ब्यास नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये ध्यान रखना आपको कि चेनाब, रावी और ब्यास तीनों नदियाँ तो निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद में जो झेलम रिवर है वो निकलती है वो आपको बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर से। इसके लास्ट में बताइए सतलज रिवर, सो जो सतलज रिवर है वो भी निकलती है चाइना से, बोल सकते हो तो आप तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत जो चाइना का एक्चुअली प्रांत माना जाता है। तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस वाले एरिया से निकलती है और इंडिया में कौन से दर्रे से होके या इंडिया में इंटर करती है, मतलब कौन से पासेज से इंडिया में यह इंटर करती है, उस पास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछती है आजकल और हमें इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्टली तो पूछेगी नहीं कि भाई यहाँ पे ये पास वगैरह, आपको इस तरीके से पूछते हैं कि सिंधु रिवर इंडिया में आ रही है तो कौन से पास से होकर इंडिया में बहती है। तो ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सॉरी सतलज रिवर कौन से पास से होकर इंडिया में बहती है, तो ये आपको देख लेना है यहाँ पे। अभी आपको बता दूं क्या क्या इसमें प्रावधान है जो इन सिंधु जल समझौता उसमें ये है कि एक तो ऊपर आ गई हमारे सिंधु रिवर, दूसरी आ गई यहाँ पे झेलम और तीसरी आ गई हमारी यहाँ पे चेनाब,
ये प्रावधान है कि भैया जो तीन नदियां ना सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका पानी है उसका तो 80% जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो तो पाकिस्तान करेगा, 20% पानी का यूटिलाइजेशन है वो इंडिया कर सकता है, जैसे कोई हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए या फिर वहाँ पे किसानों को खेती वगैरह करने के लिए इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि इन तीन नदियों का पानी है वो पाकिस्तान के पास है। अब बच्ची लास्ट की तीन जो नीचे वाली वो आगे रावी, व्यास और ये सतलज। व्यास रिवर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया से ओरिजिन होती है और इंडिया में ही एक्चुअली सतलज रिवर के अंदर मिल जाती है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या में हो जाता है। तो इसके साथ आज हमने जो सिंधु रिवर थी इसके जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह उनको भी हम डिस्कस कर लिए। सिक्वेंस आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करवा सकती है, तो ये भी सिक्वेंस आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी देखो सिक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके ये थी हमारे सिंधु जो जल संलो था उसके बारे में जो पॉइंट्स था जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी पूछ सकती है वो हमने सारा यहाँ पे कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है 3R रीजनल फॉर्म के बारे में। अब आपके दिमाग में सबसे पहले होगा कि यार 3R का मतलब क्या होता है भैया, या 3R आ क्या गया। और एक्चुअली जो ऐसे कीवर्ड है ना 3R रीजनल फॉर्म वगैरह, ये 3R का मतलब ऐसे कीवर्ड आप एग्जाम में मेंस में यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी एक्चुअली हेल्पफुल होते हैं। ऐसे एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और काफ़ी इन चीज़ों का से नॉलेज भी है। तो 3R का मतलब यहाँ पे होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो अब इन तीनों नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का मतलब है कि भाई कचरे वगैरह है जो भी इंडस्ट्री वगैरह का उसको एक्चुअली कम करना है, कार्बन एमिशन वगैरह भी कम करना है, उनको रीयूज कर इस तरीके से यूज करना है हमें, इसके साथ रिसाइकिल भी हमने करते रहना है इंडस्ट्री और सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब देखते हैं क्या है 3R रीजनल फॉर्म। देखो इसे 2009 में टोक्यो में बनाया गया था। टोक्यो कहाँ है? जापान में, जापान की कैपिटल। तो ये आपको ध्यान कि जापान में 2009 में से बनाया गया था। अब बात आती है कि इसमें कंटेक्स्ट ये है कि जो इंडिया है ना वो इस बार के जो ये 3R रीजनल फॉर्म है ना उसको इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है इंडिया में? यह किया जा रहा है इंदौर में, जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, मतलब इंडिया की सबसे साफ सिटी है वो कौन सी है? इंदौर। तो उस सिटी में एक्चुअली इसको होस्ट किया जा रहा है इंडिया में। ये 8वां समिट है, इसका 8वीं मीटिंग बोल सकते हो आप एक तरीके से 3R रीजनल फॉर्म की, जो कि इसमें जो इसके कंट्री मेंबर है वो एशिया और पैसिफिक जो एरिया वाली कंट्री है वो इसके मेंबर है, तो ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर है। ये चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर हो गई। बहुत सारे मेंबर, तो सारे मेंबर हमें रटने बैठने की कोई जरूरत वो नहीं है। अब देखो किसके द्वारा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सहयोग कर रहा है इंडिया में? इंडिया में सहयोग कर रहा है वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी वो भी इसमें सपोर्ट कर रही है, और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ जापान है वर्ल्ड लेवल पर वो साथ कर रही है, और इसके साथ ही यूएनसीआरडी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, मतलब कि रीजनल एरिया में डेवलप करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से छोटा पार्ट है, आप बोल सकते हो कि कॉन्फ्रेंस वगैरह है जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करती है रीजनल वाले, रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो वो तो मेनली देखो जो 3R जो रीजनल फॉर्म है ना इसकी जो जितनी भी मीटिंग होती है उनमें गवर्नमेंट ऑफ जापान और यूएनसीआरडी ये कॉमन होते हैं इनके द्वारा, फिर जिस भी कंट्री में ये होती है उसके जो रिलेटेड मिनिस्ट्री वगैरह वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इस बार इंडिया है तो इंडिया में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ जापान वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं आगे, इस बार की थीम क्या है? थीम भी देखो आपको पता है यूपीएससी चीज पर काफी क्वेश्चन पूछती है। थीम है इसकी काफी लंबी सी थीम है, वो है अचीविंग क्लीन वाटर, क्लीन लैंड एंड क्लीन एयर थ्रू 3R। 3R का मतलब मैंने अभी देख ही लिया था। इसके साथ ही रिसोर्स एफिशिएंसी ए 21st सेंचुरी विजन फॉर एशिया पैसिफिक कम्युनिटी, मतलब बात सीधी सी यही है कि एशिया पैसिफिक वाले क्षेत्र में हमें साफ सफाई पर ध्यान रखते हुए क्लीन माहौल बनाना, मतलब जमीन भी साफ होनी चाहिए, पानी भी साफ होना चाहिए और हवा को भी हमें क्लीन रखना है, ये सारे इसमें प्रावधान है। तो आप थीम से तो बेसिकली समझ जाओगे, देखते हैं हिंट्स वगैरह से, ऐसा कुछ थीम में है नहीं। है क्या वो हमने सारा डिस्कस कर लिया कि 3R रीजनल फॉर्म है एशिया और जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनका एक्चुअली ग्रुप है, एक तरीके से फॉर्म है, टोक्यो में बनाया गया था। काम इसका ही है कि जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको रिसाइकिल रीयूज करना और रिड्यूस करना, मतलब जो वेस्ट की मात्रा है उसको भी रिड्यूस करना इंडस्ट्री लेवल पे और सर्विस सेक्टर पे, इसके साथ ही एग्रीकल्चर लेवल पे भी हमें वेस्ट वगैरह को कम करना है। तो वो सारे क्लीन एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में भी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। काफ़ी बार इसके बारे में आर्टिकल आते हैं, तो आज फिर भी एक आर्टिकल है कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। इस बार का कंटेक्स्ट ये है कि अटल इनोवेशन मिशन है वो आपको बताया कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो नीति आयोग ने एक्चुअली एक जर्मन की टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है सेप, अब ये जर्मन की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ना सेप, इसके साथ मिलकर एक तरीके से आप एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि ये जो जर्मन की टेक्नोलॉजी कंपनी है ओब्वियसली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा सके इंडिया में। अब है क्या इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन, अटल नवाचार मिशन? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो इनोवेशन है, जो नए नए आइडियाज की जो दिमागी ताकत है ना,
इसको बूस्ट करना, मतलब जो हमारे देश की यूथ है ना, इसमें एक्चुअली जो इसके नया इसके माइंड में जो भी नए आइडियाज हैं उनको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट का अटल इनोवेशन मिशन है वो चलाया गया था। इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि हमारे देश में जो इनोवेशन हुआ, नवाचार का जो माहौल है इसको प्रमोट करना, इसके साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप है उसके माहौल को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का स्टार्टिंग है वो की गई थी। अब इसके तहत ये प्रावधान है कि इसके तहत हमारे देश में गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब नीति आयोग क्या करेगा, अटल टिकरी क्लब वो बनाएगा जगह जगह पे हर एरिया में। अब अटल टिकरी क्लब काम क्या करेगी, ये अटल टिकरी क्लब है ना, यहाँ पे होगा कि 6 से 12 साल के जो यूथ है ना, जो 6 से 12 साल के जो स्कूली बच्चे हैं उनको एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, उनके आइडियाज वगैरह लिए जाएंगे और उनको जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से मतलब रिलेटेड हेल्प वगैरह कर सकती है गवर्नमेंट वो सारे यहाँ पे आइडिया का, जैसे उनको रोबोट वगैरह के बारे में बताना किस तरीके से रोबोट काम करता है वो सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे, ताकि वो बच्चे उस तरह की सोच है उस अपने आप में डेवलप कर सकें, फिर वैसे ही दिमाग में उनके आइडियाज हैं और उन आइडियो को प्रॉपर ढंग से अगर अच्छा आइडिया हो तो उसको आगे बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सके। मतलब बच्चों के अंदर नवाचार को प्रमोट करने के लिए अटल टिकरी क्लब वो बनाई जाएंगी, इससे हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन नवाचार वाला एरिया वो बढ़ेगा और हमारे देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फिर आगे काफ़ी गति है वो मिलने वाली, तो इससे भारत को काफ़ी फायदा होगा, स्किल इंडिया को भी इससे गति मिलेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए अटल टिकरी क्लब वो बनाई जा रही है। ये ध्यान रखना कि 6 से 12 साल के बच्चों को यहाँ पे एक्चुअली इंक्लूड है वो किया गया इसमें, इसके अपने अटल इनोवेशन मिशन भी हमने यहाँ पे देख लिया। नीति आयोग आपको बिल्कुल नहीं होना, यूपीएससी ऐसे बहुत पूछती है कि नीति आयोग का है प्लस में किसका, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कूल ईएमएस सर्विसेज के बारे में। तो कूल ईएमएस सर्विस है क्या, ये देखो बात ऐसी है कि इंडिया और जापान के बीच में एक्चुअली जो इंडिया का पोस्ट डिपार्टमेंट है ना उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें ये प्रावधान है कि भाई वन वे सर्विस है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इंडिया और जापान के बीच में वन वे सर्विस है, जो कि इसका मेन मोटो यही है कि जापान का जो फूड है ना वो इंडिया के अंदर लाया जा सके, क्योंकि देखो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको जापान के फूड के बारे में काफ़ी एक्चुअली डिमांड रहती है, तो उस चीज़ को मतलब जापान का जो फूड है वो इम्पोर्ट किया जा सके इंडिया में केवल और केवल पर्सनल यूज़ के लिए। ये ध्यान रखना कि केवल पर्सनल यूज का जो फूड है उसको इंपोर्ट करने के लिए जापान से ही जो कूल ईएमएस सर्विस है वो स्टार्ट की गई है, तो उसको लेके अभी आर्टिकल है और कंटेक्स्ट आया तो यूपीएससी पूछ सकती है, ध्यान में थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है इंसेक्ट म्यूजियम के बारे में। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंग होते हैं ना उनके बारे में, तो इंसेक्ट जो म्यूजियम है मतलब पहला हमारे देश का कीट पतंगों का जो म्यूजियम है वो बनाया गया है तमिलनाडु में, तो ये हमें ध्यान रखना कि तमिलनाडु में इंडिया का पहला पतंग कीट पतंगों का म्यूजियम वो बनाया गया है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमिटीज के तहत आता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। थीम क्या है, इसकी थीम यह है कि बक्स आर किंग्स, मतलब जो कीट पतंगे होते हैं वो किंग्स की तरीके से, ये इसकी थीम है, छोटी सी थीम है, ये भी हमें ध्यान रखनी है, यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है इसके बारे में। तो इंसेक्ट म्यूजियम वगैरह भी हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि है कहाँ पे बनाया गया सबसे पहले, क्योंकि ऐसा भी कई बार यूपीएससी काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो ये तो थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। इसके अलावा आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया और म्यांमार, इंडिया के जो कुछ स्टेट हैं जिनका बॉर्डर एक्चुअली लगता है आपको पता है कि मतलब म्यांमार के साथ, तो उनके आपको सिक्वेंस बताने कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सा का लगता है, उसके बाद कम कौन सा का लगता है और सबसे कम कौन सा का लगता है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन बता रहा हूँ आपको मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो आपको इनको अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से की लगती है इंडिया वाले स्टेट की म्यांमार के, उसके बाद कौन से कम, फिर लास्ट में सबसे कम वाले की। दोबारा बता रहा हूँ ऑप्शन वो है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा। आई नो कि आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर अटेंड कर सकते हो, अगर आप मैप देखो डिस्कस करोगे आप देखोगे ना मैप को, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज मैं अभी आपको ये बताऊंगा मैपिंग का ये क्वेश्चन, तो आप एक बार में देखोगे फिर वापस भूल जाओगे, तो आप अगर आप खुद एक बार इस चीज़ को सर्च करोगे ना मैप में तभी ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, तो आप एक बार देख लेना। और ये भी आप देख लेना कि नॉर्थ टू साउथ भी यूपीएससी अरेंज करा सकते हैं कि म्यांमार के जो स्टेट टच करते हैं इंडिया के उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, क्योंकि वो वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो जो इंडिया का मैप है उसको आप अच्छे से दिमाग में ऐसा कैसा क्लियर कर लेना, हमने उसके बारे में काफी बार डिस्कस किया है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल जो धर्म सम्मेलन हुआ था, एक्चुअली ये भी आपको बता दूं इंडिया में हुआ था, तो वो कहां पे हुआ था। पहला ऑप्शन है वो है कपिलवस्तु, दूसरा है राजगिरी और तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है नन ऑफ दिस, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वापस बता रहा हूँ एक बार, वो है इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ था इस बार इंडिया में। पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा है राजगीर और तीसरा है लुम्बिनी, तो इसका ऑप्शन है वो आपको बता दूँ कि राजगिरी में हुआ था इस बार का सम्मेलन, तो इसलिए यूपीएससी पूछ सकती है, काफ़ी न्यूज़ में भी था, हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट महीने की करंट अफेयर था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है ये आपको बताना है कि कहाँ हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी। देखो जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है इसका ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, पहला है कि भीतरकनिका जो सेंचुरी है उसमें हुआ था, दूसरा है वो है लोकतक लेक में हुआ था और तीसरा है वो है पुलिकट जो वाइल्ड पुलिकट जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर हुआ था।
तो एक्चुअली ये हुआ था, फ्लेमिंगो फेस्टिवल हुआ था, वो हुआ था पुलिकट, जो पक्षी भरण है ना सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, उसके अंतर्गत। तो पुलिकट लेक कहाँ पे है ये तो आपको काफ़ी इजीली पता होगा। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप देख एक बार मैपिंग में करोगे ना, तब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन कवर होते हैं, अगर आप मैप देखते हो वहाँ पे आपके 5-6 चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, आपको पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर है, ETC वगैरह कई इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। तो इसलिए आप प्लीज़ मैप को देखा करिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसी चीज़ों के आंसर बता दूंगा तो फिर आप उस चीज़ के बारे में मेहनत नहीं करोगे और फिर अच्छा रिजल्ट वो नहीं आ सकता। तो इसलिए आप इस तरह की थोड़ी मेहनत वगैरह वो आगे कंटिन्यू है वो रखिएगा। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में तो इतना ही है, बाकी हम कल की डिस्कशन में और देख लेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।